सब दोस्तों नमस्कार, ओनली सिविल स्कूल में आपका स्वागत है। देखो हम ये PT 365 की जो गवर्नमेंट वाली स्कीम्स हैं मई 2020 से लेके मई 2021 तक है, इन्हें कवर कर रहे हैं। इससे पहले कई वीडियोस हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वो उन वीडियोस को देख सकते हो। तो ये मई 2020 से लेके मई 2021 तक सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट नोटेड करते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि टोटली इंग्लिश में धीमे धीमे स्लो स्लोली एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा, हम थोड़ा सा देखो ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा कंटेंट बनाएंगे जिससे आपको और फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेक इन इंडिया जो है वो क्या है एक्चुअल में, अब तक हम करीब कंप्लीट कर चुके हैं कई वीडियोस, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख सकते हैं यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। तो देखो ये न्यूज़ में क्यों है, देखो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इमार्क 64% ऑफ इस मॉडर्नाइजेशन फंड अंडर दिस कैपिटल इक्विजिशन बजट फॉर 2021-2022। ये 2021 एंड 2022 के बजट में ये क्या गया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको इमार्क किया। एंड फॉर परचेज फॉर द डोमेस्टिक सेक्टर, किसके लिए, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए। रीज़न क्या था, विस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इज दैट टू बूस्ट टू द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एंड द ऑब्जेक्टिव इज दिस स्कीम टू प्रमोट इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड ए ग्लोबल हब इन मैनुफैक्चरिंग डिजाइन एंड इनोवेशन। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम मेक इन इंडिया। देर आर साइलेंट फीचर, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। नंबर 1 न्यू प्रोसेसेस, नंबर 1। नंबर 2 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 न्यू सेक्टर्स, नंबर 4 गाइस न्यू माइंडसेट। देर आर 4 पिलर्स इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। व्हाट इज द न्यू प्रोसेसर, न्यू प्रोसेस इज एस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज रिकॉग्नाइज ऑफ दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड सेकेंड इज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इंटेंट टू डेवलप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड स्मार्ट सिटीज, क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशंस, जस्ट लाइक भारत नेट प्रोजेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इज न्यू सेक्टर, इट इज़ रिलेटेड टू FDI। FDI हैज बीन ओपन इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए बिग वे, दैट इज कॉल्ड न्यू सेक्टर इज रिलेटेड टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम। फोर्थ वन इज न्यू माइंडसेट, व्हाट इज न्यू माइंडसेट, यू नो गाइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट शुड बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट शैल एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड नॉट ए रेगुलेटर। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर नॉट ए रेगुलेटर। आई टोल्ड यू अबाउट दैट एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल, यानी कि ओल्ड IFSC स्टैंड फॉर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल डेडिकेट फॉर द मेक इन इंडिया कैंपेन। इट वॉज फॉर्म विद एन ऑब्जेक्टिव टू असिस्ट इन्वेस्टर इन सीकिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड समथिंग प्री इन्वेस्टमेंट फेस एग्जीक्यूशन एंड अदर थिंग्स। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, यानी कि DPIIT, दिस कोऑर्डिनेट एक्शन प्लान्स फॉर 15 मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, वाइल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेट विद 12 सर्विस सेक्टर्स। यू नो गाइस, DPIIT इज कोऑर्डिनेट विद द 15 मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेट 12 सर्विस सेक्टर्स। नाउ टारगेट अंडर दिस स्कीम, टारगेट अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दैट मैनुफैक्चरिंग, यानी कि इंक्रीज इन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोन टू 12-14% पर एनम ओवर द मीडियम टर्म, एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग इन द कंट्रीज GDP फ्रॉम 16% to 25% बाई 2020। एट दिस टाइम GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द मैनुफैक्चरिंग एट दैट 16%, दैट इज 16%, एंड टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाई 2022। दैट इज ए मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, इन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स, ठीक है दोस्तों।
नाउ नेक्स्ट इनिशिएटिव इज टाइज। टाइज स्टैंड फॉर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। वॉट इज द ऑब्जेक्टिव, वाई इज वाई न्यूज गाइज। तो रिसेंटली वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाई द सेंटर टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, यानी कि टाइज इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट स्कीम्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज दैट स्कीम ब्रिजिंग गैप्स इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग फोकस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स एंड एड्रेसिंग क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन मेजर्स दैट इज रिलेटेड टू ऑल ओवर दैट बूस्ट द एक्सपोर्ट इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। दैट इज टाइम। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट साइलेंट फीचर्स, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद एक्सपोर्ट लिंकेज लाइक बॉर्डर हॉट्स एंड कोल्ड चेन्स एंड ड्राई पोर्ट्स ETC एंड द सेंटर एंड स्टेट एजेंसीज। इट इज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटीज बोर्ड एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज एंड एपेक्स ट्रेड बॉडीज रिकॉग्नाइज अंडर द एग्जिम पॉलिसीज। एग्जिम स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस टाइज स्कीम। द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड इज नॉर्मली नॉट मोर देन द इक्विटी बींग पुट इन बाई द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और 50% ऑफ द टोटल इक्विटी इन द प्रोजेक्ट एंड नाउ अप टू 80% ऑफ द टोटल इक्विटी इन केस ऑफ प्रोजेक्ट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। दैट इज ऑल अबाउट द टाइज स्कीम। टाइज स्टैंड फॉर गाइस ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो प्लीज नोट डाउन एंड यू कैन मेक योर नोट्स अबाउट दैट एवरी स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसलेनियस इनिशिएटिव्स। वॉट इज मिसलेनियस इनिशिएटिव्स? मिसलेनियस इनिशिएटिव इज फर्स्ट वन इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दैट इज SEIS, दैट इज SEIS की बात हो रही है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च अंडर द FTF यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, रिप्लेसिंग द अर्लियर स्कीम। दैट इज अर्लियर स्कीम वॉज सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम इन जून 2020। द वैलिडिटी ऑफ द SEIS वॉज एक्सटेंडेड फॉर वन मोर ईयर ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। दैट स्कीम इज एक्सटेंडेड बाई वन मोर ईयर बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक एंड द स्कीम इज ऑब्जेक्टिव वॉज टू एनकरेज एंड मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस फ्रॉम इंडिया एंड SEIS दैट इज स्टैंड फॉर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इट सेल अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। दस SEIS प्रोवाइड फॉर रिवार्ड टू ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज एंड अंडर दिस स्कीम द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ नोटिफाइड सर्विस आर इंसेंटिवाइज इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, इंसेंटिवाइज इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एट द रेट ऑफ 3-5% ऑन देयर नेट फॉरन एक्सचेंज अर्निंग एंड दैट आर ट्रांसफरेबल और कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ सेंट्रल ड्यूटीज टैक्सेस इंक्लूडिंग द बेसिक कस्टम ड्यूटीज। सो दैट इज ऑल अबाउट द सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। वॉट इज इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म? इट इज डिजाइन दिस प्लेटफॉर्म एज ए कॉम्प्रेंसिव रिसोर्स टू हेल्प बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स टू गेट रियल टाइम अपडेट्स ऑन इंडियाज एक्टिव रिस्पॉन्स टू COVID-19 इट कोरोना वायरस एंड इट कीप ए रेगुलर ट्रैक ऑन डेवलपमेंट्स इन द कंट्रोल ऑफ द वायरस एंड प्रोवाइड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड गिव एक्सेस टू स्पेशल प्रोविजन एंड आंसर्स एंड रिजॉल्व क्वेरीज थ्रू ईमेल एंड ऑन व्हाट्सएप एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड दैट इज ऑल अबाउट इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट स्कीम इज दैट, सो नाउ नेक्स्ट स्कीम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंडर में है, न्यूली लॉन्च स्कीम है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी कि दैट इज PLI स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट।
दैट इज कॉल्ड वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम द ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट इंडिया टू एनकरेज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाइक जस्ट टेलीकॉम सेक्टर नेटवर्किंग सेक्टर एंड दैट अदर थिंग्स एंड सेकेंड थिंग इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोड्यूस मेड इन इंडिया अंडर द मेड इन इंडिया प्रोग्राम एंड सम हेयर साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम तो दिस स्कीम इज ओपन टू बोथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs एंड नॉन MSMEs दैट इज डोमेस्टिक कंपनीज एज वेल एज ग्लोबल कंपनीज सो दैट स्कीम आर ओपन फॉर बोथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस देखिए विच स्कीम्स आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस फर्स्ट वन इज PLI PLI स्टैंड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स एंड दिस स्कीम हैव द ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द टारगेट सेगमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड इज टू एनकरेज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड फ्रॉम दिस स्कीम एंड दिस स्कीम हैव सम डिफरेंट साइलेंट फीचर्स फर्स्ट वन इज स्कीम इज ओपन फॉर बोथ एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड नॉन MSMEs जस्ट लाइक डोमेस्टिक कंपनीज एज वेल एज ग्लोबल कंपनीज दैट इज ओपन फॉर बोथ एंड इट हैव द एलिजिबिलिटी शैल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग रेवेन्यू रजिस्टर्ड फॉर GMR ग्लोबल कंपनीज इट हैव द GMR शुड बी मोर देन 10,000 करोड़ इन द बेस ईयर एंड द डोमेस्टिक कंपनीज हैव द 230 करोड़ इन द बेस ईयर दैट इज ऑल कॉर्पस ऑफ दैट कंपनी एंड MSMEs विच आर GMR शुड बी मोर देन 10 करोड़ इन द बेस ईयर दैट ऑल दीज कंपनी आर रिलेटेड फ्रॉम दिस स्कीम एंड एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम इज सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड ऑफ क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड नेट इंक्रीमेंटल सेल्स दैट इज ऑल अबाउट बेस लाइन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स यू कैन वॉच इट हेयर एंड सम एप्लीकेबल इंसेंटिव 7% टू 4% फॉर MSMEs एंड 6-4% ओवर द अदर ओवर 5 years अबव बेस ईयर एंड SIDBI हैज अपॉइंटेड एज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट स्कीम द SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग दैट स्कीम एंड इट हैव द टेन्योर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दैट इन्वेस्टमेंट विल बी परमिटेड टू बी मेड इन 4 years फॉर दैट 4 years दोस्तों and is subject to qualifying incremental annual threshold and support under this scheme provided for a 5 years and it is empowered group of secretaries that is EGOS and chaired by cabinet secretary will monitor the PLI scheme so all about these things and here is note different between the for this scheme globally telecom and network product export present on $100 billion market opportunity which can be exploited by India. And this scheme, India will be well positioned as a global hub for manufacturing of telecom and networking products and incremental production around 2 lakh crore is expected to be achieved over 5 years. That's all about this scheme. Some scheme is in news. So I can explain here. So now BharatNet project is related. What is the BharatNet project? The Parliament in February 2021 was informed that project still lag with as many as 98,569 panchayat yet to be service ready. So now objective of BharatNet is the broadband access to all village by 2020 and it have the tower density from 0.421 tower per 1,000 of population by 2024. Now you can note down this data guys and the creation of digital fiber map of the digital communication network and infrastructure. So all these are objective of this scheme and what some here the silent feature of this scheme.
इट्स एम टू प्रोवाइड ए मिनिमल बैंडविड्थ ऑफ 100 Mbps टू ईच ऑफ द 2.5 लाख ग्राम पंचायत एंड इट विल फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस हेल्थ ई एजुकेशन ई हेल्थ ई बैंकिंग पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस गवर्नमेंट टू कंज्यूमर बैंक टू बैंक एंड पीपल टू पीपल बिजनेस टू कंज्यूमर ETC एंड वेदर एग्रीकल्चर एंड अदर सर्विस टू रूरल इंडिया एंड देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस सो इट विल फैसिलिटेट मोर एंड मोर स्कीम्स मोर एंड मोर ई गवर्नेंस डिलीवरी ऑफ दिस सिस्टम भारतनेट प्रोजेक्ट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ NEOFN नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क विच इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज फर्स्ट फेज इज इट प्रोवाइड 1 lakh ग्राम पंचायत विद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बाई लेइंग अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल लाइन्स विद डेड लाइन ऑफ 31st December 2017 विच वॉज अचीव्ड देयर इज ए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड फेज इज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ऑल 2,50,000 पंचायत यूजिंग एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर ओवर पावर लाइन्स रेडियो सेटेलाइट मीडिया कंपेयर बाई March 2019 एंड थर्ड फेज इज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 टू 2023 ड्यूरिंग दिस विच स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर प्रूफ नेटवर्क एंड अदर थिंग्स आर रिलेटेड ऑफ थर्ड फेज यू नो इट इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाई ए स्पेशल पर्पज व्हीकल नेम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यू नो इट इज बींग फंडेड बाई द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड सो यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स इट इज फंडेड बाई द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड गाइस सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट एंड सेकेंड नेक्स्ट स्कीम इज दैट जस्ट वेट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सो ऑल डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज रिलेटेड टू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यानी कि 2013 की बात हो रही है दिस इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सो वाई एन न्यूज तो नीति आयोग रिसेंटली डिस्कशन पेपर हैज प्रपोज सर्टेन रिफॉर्म इन दिस एक्ट नीति आयोग हैज प्रपोज सर्टेन रिफॉर्म इन दिस एक्ट तो देयर इज सम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इट हैज ए लीगल राइट टू पर्सन टू बिलोंगिंग टू एलिजिबल हाउस होल्ड टू रिसीव फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस There is a subsidy manner and also called central issue price, which have central has issued this price. So there are something is provided by the PDS pralalis and some eligibility in this system and it is the under the targeted public distribution system. So eligibility in this scheme, the act eligible household comprises 2 categories. First one is priority household second is family covered by antyodaya ann yojana first one is priority yani ki priority household entitled to 5 kg of food grains per person per month and antyodaya ann yojana it is the poorest of the poor that is called antyodaya ann yojana is related to the poorest of the poor and it is entitled to 35 kg per month theek hai guys and the silent feature of this scheme is The present CIP stands for Central Issue Price. That is Central Issue Price. The present CIP is rice at 3 rupees per kilogram, whereas wheat is 2 rupees per kilogram and coarse is grain is 1 rupee per kilogram. It's related to this scheme and coverage is NFSA, yani ki National Food Security Act covers 67% of the country's population. Including 75% population are from rural areas and 50% population are from urban population. So now you can see this. Now Niti Aayog by using the NSS household consumption survey data for 2011-12. And second is silent feature is life cycle approach. So pregnant women and lactating mothers which are not complete which are pregnant. And have not the complete nutrition of the body, so that is called lactating mother.
एंड चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years दैट इज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव न्यूट्रिएंट मील फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू ए वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ दिस स्कीम एंड दिस इज अंडर बिटवीन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एट द सेंटर एंड कॉल्ड आंगनवाड़ी सेंटर एंड ऑल्सो थ्रू स्कूल अंडर मिड डे मील स्कीम दैट इज द लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ दिस स्कीम एंड हायर न्यूट्रिशनल रिफॉर्म्स सॉरी हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेल नरिश चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज ठीक है सम हेयर इज मैटरनिटी बेनिफिट्स विच आर रिसीव्ड बाई बेनिफिट नॉट लेस देन 6,000 टू पार्टली कंपनसेट फॉर द वेज लॉस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो इज सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस आर अलाउ दिस स्कीम एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट द सेंटर इज एलोकेट ऑफ रिक्वायर्ड फूड ग्रेन स्टोर स्टेट यूनियन टेरेटरी ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड ग्रेन्स अप टू डेजिग्नेटेड डिपोट्स इन ईच स्टेट यूनियन टेरेटरी and providing central assistance to state union territory for delivery of food grains from designated FCI any food corporation of India godowns and the second is the state and union territory is the effectively manners and implementation of this act which inter alia includes identification of eligible household there is a state responsibility to identify of those person which are distribution of food grains entitled to eligible household through fair price shop that is FPS and issuance of license to FPS dealers and then monitoring setting up effective grievance redressal mechanism necessary strengthening of targeted public distribution system that is called TPDS so that is all about this scheme guys and now I'm talking about one nation one ration card what is one nation one ration card so here is news because Mera Ration app was launched under the scheme so Mera Ration app launched under the one nation one ration and it allow users to check what they are entitled to and not and locate nearby ration shops and some here objective of this scheme national interstate portability of all ration card holders under NFSA NFSA stand for National Food Security Act and no poor person should be deprived of getting subsidized food grains from this scheme or food security schemes and some salient features are here the scheme was launched in 2019 kuch following aims ke sath to ensure all beneficiaries especially migrant get ration and wheat rice and other food grains across the nation from any PDS shop of their own choice and under this existing system a ration card holder can buy food grains only from the PDS in the locality where he or she lives now at that changing time one nation one ration card system becomes operational nationality you can buy food grains from everywhere all over the country now to reduce instance of corruption by middlemen and fraudulence in the ration card to avail benefits from different states and to reduce the incident of hunger deaths in the country so now the beneficiaries will be identified on the basis of their aadhaar based identification and aadhaar based identification is interlinked between the electronic point of sale devices and IMPDS an integrated management of public distribution system jo portal hai it provide the technologies platform for the interstate portability of ration card which are migrant worker to buy food grains which are eligible to migrant workers to buy food grains from any fair price shops across the country and other portal just unvitran.nic.in host the data of distribution of food grains through electronic point of sale device within a state at that time budget 21-22 the government announced the one nation one ration card scheme being implemented in 32 state and union territories reaching across about 69 crore beneficiaries of this country around 86% of the total beneficiaries at this time the remaining 4 state and union territories just like Assam, Chhattisgarh, Delhi and West Bengal it will be integrated into the scheme in the coming few months so now that is a note
देयर यू कैन नोट डाउन ऑफ ऑल दीज थिंग्स द सेंटर इनक्रीज द बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट टू 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2021 एंड फ्रॉम 3% देयर इज इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5%. ठीक है, देयर इज इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 5%. हाउएवर इंक्रीजिंग बोरोइंग बियॉन्ड 3.5% ऑफ GSDP इट लिंक्स टू रिफॉर्म अंडरटेकन बाई द स्टेट इंक्लूडिंग दैट इज थिंग दे वॉन्ट टू बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स दैट्स ऑल अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. सो यू कैन नोट डाउन पॉइंट बाई पॉइंट. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अंत्योदय अन्न योजना. वॉट इज अंत्योदय अन्न योजना दोस्तों? तो देर इज अंत्योदय अन्न योजना बिकॉज ऑल दिस स्कीम आर रिलेटेड फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम विच आर इन 10th October एंड अदर स्टेट एग्जाम्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. सो यू कैन मेक योर नोट्स, यू कैन राइट डाउन, यू कैन मेक योर पॉइंट्स. सो नाउ द अंत्योदय अन्न योजना हैव द ऑब्जेक्टिव इट इज़ टारगेटेड पुअरेस्ट ऑफ पुअर पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हंगर. सो नाउ दैट इज अंत्योदय अन्न योजना. सम इंटेंडेड बेनिफिशरीज लाइक देर आज रिलेटेड टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड रूरल आर्टिजन्स दैट इज इंटेंडेड बेनिफिशरीज एंड सम विडोज टर्मिनली इल और डिसेबल्ड पर्सन एज 60 years और मोर एंड सिंगल वुमेन और सिंगल मैन विद हैव नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट और एस्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस दैट आर अंडर दिस स्कीम एंड ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउसहोल्ड दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इस अंत्योदय अन्न योजना एंड ऑल एलिजिबल BPL फैमिलीज ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन दैट इज ए डिफरेंस पॉइंट. यू नो ऑल एलिजिबल BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन. सो नाउ यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स. नाउ हियर शेयर साइलेंट फीचर्स. इट कवर्स पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, एंड कवर अंडर द TDPS. TDPS स्टैंड फॉर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद इन द स्टेट एंड प्रोवाइड दैम फूड ग्रेन्स एट हाईली सब्सिडाइज रेट यानी 1 rupees पर किलोग्राम कोर्स ग्रेन एंड 2 rupees पर किलोग्राम फॉर व्हीट एंड 3 rupees पर किलोग्राम फॉर राइस. एंड अंत्योदय अन्न योजना इज अ पार्ट ऑफ NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड एलिजिबल हाउस होल्ड आर एंटाइटल 35 kilograms ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ एंड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज आर रिक्वायर्ड टू बियर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, एंड इंक्लूडिंग मार्जिन टू डीलर्स एंड रिटेलर्स एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्कीम. सो नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द TPDS. TPDS स्टैंड फॉर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हैव द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई पुअर हाउस होल्ड एंड गिविंग दैम ए फिक्स एंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स राइस कोर्स एंड अदर थिंग्स. एंड इंटेंडेड बेनिफिशरीज यू नो द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया कवरेज अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. एंड हेयर इज साइलेंट फीचर अबाउट दैट इट इज ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट्स. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस TPDS सिस्टम दोस्तों. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम. दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिक्योरमेंट एलोकेट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अप टू द डेजिग्नेटेड डिपोट्स ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. यू नो वेयर इज फूड कॉरपोरेशन इंडिया इज सिचुएटेड एंड यू कैन अवेल द रिस्पॉन्सिबल प्रिक्योरमेंट एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज एंड अदर थिंग लाइक जस्ट इश्यूएंस ऑफ राशन कार्ड या एलिजिबल आइडेंटिफाइड एलिजिबल बेनिफिशरीज एंड अदर थिंग्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स एंड द एंड रिटेल प्राइस इज फिक्स बाई द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट मार्जिन फॉर होलसेलर या रिटेलर्स and TDPS control order 2015 and PDS control order 2001 stipulate that state and union territory government are required to review the list of beneficiaries every year. So now all these things about TPDS
इज रिलेटेड फ्रॉम टीपीडीएस. सो नाउ टू प्रिवेंट द वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टीपीडीएस ऑर्डर 2015 एंड एनएफएसए एक्ट 2013. सो नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंटिंग ए प्लान स्कीम ऑन एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस ऑपरेशंस इन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. सो दैट इज ऑल अबाउट द टीपीडीएस सिस्टम. एंड टीपीडीएस सिस्टम इज कवरेज अंडर हैज बीन डिलिंक्ड फ्रॉम द पॉवर्टी एस्टिमेट. ऑल दीज थिंग्स अबाउट रिलेटेड दिस स्कीम. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिक्योरमेंट एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वेयर इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल मेजर्स. सो दैट इज ऑल अबाउट द TPDS system. So all these things are related of all these things. So now you can see here next Ministry of Corporate Affairs. So I will told you about all these schemes. So now guys yahi tak rehne dete hain. Please watch and thank you for watching it. Like, subscribe, comment, share, whatever you want to, you can do that. So please like, subscribe or share karana boliye. Thank you guys for watching it.